आज की वीडियो का विश्लेषण क्या होगा, किस पॉइंट पे बात करेंगे? देखो, आज मैं मिड कैप कैटेगरी से कुछ फंड आपके सामने रखने वाला हूँ, कुछ ऐसे फंड जिनका हम रिव्यू करेंगे। मिड कैप कैटेगरी में ऐसे तो बहुत सारे बेहतरीन फंड है, लेकिन मैं आपके सामने तीन फंड लेके आया हूँ जिसका हम रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि ऐसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फंड के नाम से, कौन से फंड्स के बारे में हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे। देखो, SBI मैग्नम मीट के फंड, क्वांट मीट के फंड और मिराई एसेट मीट के फंड का यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि ऐसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। रिटर्न के बेसिस पे हम रिव्यू करेंगे और कोई फैक्टर यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे SBI मैग्नम मीट कैप से स्टार्ट करते हैं। एक साल के बेसिस पे अगर मैं रिटर्न देखूँ तो इस म्यूचुअल फंड ने 23.87% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर मैं तीन साल का रिटर्न देखूँ तो 35.76% का रिटर्न है। पिछले 5 साल का एनुलाइज रिटर्न देखूं तो 23.07% के करीब में है और 10 साल का यहां पे रिकॉर्ड देखूं तो 22.51% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये जो भी रिटर्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये एनुलाइज रिटर्न है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर मैं परफॉर्मेंस चेक करूँ रिटर्न के बेसिस पे, तो सबसे मेन फैक्टर क्या होता है, किस पॉइंट के बेसिस पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर फंड इज परफॉर्मिंग और नॉट। देखो, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न देख रहे हो तो ये चेक करो कि क्या वो अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है कि नहीं। अगर मैं SBI मैग्नम मीट कैप की बात करूं तो यहाँ पिछले एक साल में कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा, और रिटर्न देखोगे तो 25.71% है। पिछले 3 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा, 31.31 कैटेगरी एवरेज में रिटर्न है, जबकि 35% इस फंड ने रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में देखें और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। सिर्फ 1 साल के अंतराल में थोड़ा सा स्लो दिख रहा है। अब ऐसी स्थिति में सिर्फ 1 साल में अगर कोई म्यूचुअल फंड पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, और पिछड़ता हुआ भी काफी डिफरेंस नहीं बना रहा है, आप देखोगे तो इस फंड ने 23.87 आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 2% का नीचे यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है कैटेगरी एवरेज से। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे, इस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लेंगे। लंबे समय में 3 साल, 5 साल और 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी बीट किया है। तो SBI मैग्नम मीट के फंड का परफॉर्मेंस अभी अच्छा देखने को मिल रहा है। चलिए अगले म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का क्वांट मीट के फंड, ये फंड काफी अग्रेसिव है। एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 32.72% का रिटर्न दिया है। ये एनुलाइज रिटर्न है जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। पिछले 3 साल का 41.06% का रिटर्न है, पिछले 5 साल में 27.59% का रिटर्न है, और पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 19% के रिटर्न को मेंटेन कर रहा है। पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल का अगर मैं कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे रिटर्न कंपेयर करूँ तो ये इस अंतराल में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। जैसे कि 1 साल में कैटेगरी एवरेज में 25% के ऊपर का रिटर्न है, जबकि यहाँ 32% के ऊपर का रिटर्न दिख रहा है। 3 साल में यहाँ पे 41% का रिटर्न दिख रहा है, कैटेगरी एवरेज में 31% का है, और 5 साल में भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 से 8% का रिटर्न डिफरेंस। इट मीन्स कि कैटेगरी एवरेज को बीट ही नहीं कर रहा, 7 से 8% का रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और 10 साल के अंतराल में ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 5 साल, 6 साल से क्वांट के अधिकतर म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी बेहतर रहा है। कि क्वांट मीट कैप जो है 1 साल, 3 साल, 5 साल के ड्यूरेशन में लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी। आप इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े रह सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, कुछ भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अगले म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, मिराई एसेट मीट कैप फंड। रिटर्न के बेसिस पे हम सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, तो 1 साल का रिटर्न अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में इसने 26.89% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 33.88% का रिटर्न है। इस म्यूचुअल फंड के पास काफ़ी हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, इट मीन्स बहुत पुराना फंड नहीं है, लेकिन जो भी डाटा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाटा देखने को मिल रहा है। देखो, अगर देखोगे तो ये भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है पिछले 1 ईयर और पिछले 3 ईयर में। देखो, शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें, देखो इस म्यूचुअल फंड के पास बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में भी अगर हम देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 3 मंथ के अंतराल में और 6 मंथ के अंतराल में भी कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट किया है। तो यहाँ भी कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। देखो, मैं अगर SBI मैग्नम मीट के फंड की बात करूँ तो पिछले 1 साल में थोड़ा सा कैटेगरी एवरेज से पिछड़ता हुआ नजर आया है,
लेकिन लंबे समय में उस म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा पैसा बना के दिया। दूसरा, क्वांट मीट के फंड की बात करूं तो उस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट किया। वीरा एसेट मीट कैप में भी बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, लेकिन जो भी डाटा है यहां पे भी देखने को मिलता है कि ये भी म्यूचुअल फंड काफी स्ट्रांग है। अब आपके पोर्टफोलियो में कोई भी फंड है इसको आप कंटिन्यू करो, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पोर्टफोलियो में SBI मैग्नम मीट कैप है तो क्वांट मीट कैप ऐड कर दिए, या फिर क्वांट मीट कैप है तो मीरा एसेट मीट कैप ऐड कर दिए। आपके पास जो भी फंड है एक फंड के साथ कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि 3 से 4 मीट के फंड हम ऐड कर दिए, अगर 3 भी अच्छा है तो तीनों हमने यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड कर दिए, ये भी एक गलत डिसीजन हो। देखो टाइम टू टाइम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू करना जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक साल में कोई फंड थोड़ा सा कमजोर हुआ तो हम अपने पोर्टफोलियो में से चेंज कर दें। हमें कुछ ज़्यादा समय देना चाहिए, कम से कम 2 साल जिससे हम समझ पाएं कि एग्जैक्टली ये म्यूचुअल फंड पिछले 1-2 साल से थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, क्या अभी भी कमज़ोर है या नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा कमज़ोर दिखे तो एग्जैक्टली हम इसके अगेंस्ट डिसीजन ले सकते हैं। देखो कोशिश करो कि आप अगर 5 साल के लिए या फिर 6 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो फंड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट ना करें। आप 5 साल के लिए पैसा ही लगा रहे हो और 5 साल में अगर 3 से 4 म्यूचुअल फंड को चेंज ही कर दोगे तो पैसा ज़्यादा बनता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा देखो अगर 10-15 के ड्यूरेशन में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 2 से 3 ही आप फंड को चेंज करें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिटर्न पे आपका इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि जहाँ जहाँ आप फंड का थोड़ा सा 1 साल या 6 महीने से परफॉर्मेंस स्लो होगा आप फंड चेंज कर दोगे, वो आपके लिए गलत डिसीजन होगा। आपके पोर्टफोलियो में अगर 5 फंड है तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि हर एक फंड टॉप लिस्ट में होगा, इट मीन्स टॉप 5 में होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो आप फंड सेलेक्ट कर रहे हो 5 फंड है उसमें से 1 या 2 थोड़ा सा कमजोर हो, बाकी आपके सामने जो 3 फंड है वो आपको पैसा बना के दे रहा हो। तो हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि पोर्टफोलियो में अगर 5 फंड है ऑन द एवरेज जितना मेरे को रिटर्न चाहिए वो अचीव हो रहा है, 2 फंड थोड़ा कमजोर भी है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो मेन मकसद है पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहिए वो यहाँ पे अचीव हो रहा है। लेकिन बार बार फंड को चेंज करना ये भी एक समझदारी की बात नहीं है, हमें थोड़ा सा विकल्प लेके चलना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारे कंपाउंडिंग और रिटर्न पे लंबे समय में बहुत बड़ा इफेक्ट तो नहीं पड़ सकता है। तो ऐसे आप मिड कैप कैटेगरी को फोकस कर सकते हो। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए, आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट अभी तक चैनल को नहीं के सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें, फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।